हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है टेबल टेनिस बॉल हैज मास 10 ग्राम एंड स्पीड 90 मीटर पर सेकंड। इफ स्पीड कैन बी मेजर विद इन एक्यूरेसी ऑफ 4%, व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन स्पीड एंड पोजीशन। तो हम लोग को डेल्टा वी फाइंड करना है और डेल्टा एक्स फाइंड करना है। पोजीशन हो गया, डेल्टा एक्स पोजीशन को दिखाता है, डेल्टा वी वेलोसिटी को दिखाता है। अब वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी स्पीड दिया हुआ है हमारा, ठीक है। स्पीड जो दिया हुआ है वो हमारा 90 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो अब हम लोग को बोला गया है कि स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 4%। अगर एक्यूरेसी 4% है तो स्पीड कितना हो जाएगा, 90 × 4/100, ठीक है। तो अगर इसको फाइंड करोगे तो ये 3.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डेल्टा वी है। अब हम लोग एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के तहत हम लोग क्या जानते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और मोर देन h/4π, ठीक है। तो डेल्टा पी का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा पी का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा वी इंटू एम। एम भी होता है, डेल्टा पी को हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, एम इंटू डेल्टा वी, ठीक है, इक्वल टू h/4π, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा h/4π इंटू डेल्टा वी इंटू एम, ठीक है। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एच का प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड बाय 4 × 3.14 इंटू डेल्टा वी का वैल्यू है 3.6 × m। मास जो है यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 10 ग्राम। 10 ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे, 10 ग्राम इक्वल्स टू कितना केजी हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 × 10⁻³ kg, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ kg। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.46 × 10⁻³ m। तो हमारा जो ये हमारा डेल्टा एक्स का वैल्यू आ गया ये, और डेल्टा भी हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं 3.6। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।